हेलो दोस्तों, स्वागत करता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल जी के एजुकेशन में। दोस्तों, कौन होनार करोड़पति या केएससी केबीसी मराठी 2023 के दोस्तों आईबीआर कॉल स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों आज से। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में 17 मार्च के पूरे कॉलिंग रिकॉर्डिंग को सुनेंगे दोस्तों। लेवल 2 का तीनों सवाल का जवाब इस वीडियो में देखेंगे मराठी वर्जन में। और ये दोस्तों सेट 1 है, पूरे रिकॉर्डिंग का आप लोग ध्यान से जरूर सुने। और देखिए, ये सेट 1 का इसलिए क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि इसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोपहर तक ये चेंज हो जाता है दोस्तों, इसलिए सेट 1 है। फिर भी देखते सेट 2 आते हैं कि नहीं, इसलिए ये सेट 1 रखे हैं हमने थंबनेल में। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं रिकॉर्डिंग, पूरे रिकॉर्डिंग को क्या क्या बताया गया है ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ही आहे कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाची नाव नोंदणी प्रक्रिया। हा संवाद मराठीत सुरू ठेवण्यासाठी एक दाबा। कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमासाठी ह्या मोबाईल क्रमांकावरून नोंदणी केली आहे। ह्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या व्यक्तीशी मला बोलायचं आहे। कोण होणार करोडपती ह्या कार्यक्रमासाठी नोंदणी केली असेल तर एक दाबा। तुम्ही जर कोण आता नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या। 2 मार्च 2023 रोजीचे पूर्ण वय अंकात नोंदवा। बीप आवाजानंतर कीपॅडवर तुमचं वय अंकात टाईप करा। तुमचं लिंग सांगा। पुरुष असाल तर एक दाबा, स्त्री असाल तर 2 दाबा। इतर साठी यापैकी कोणती श्रेणी आपल्या कार्याचे सर्वोत्तम वर्णन करते। आपण सरकारी कर्मचारी किंवा सशस्त्र दलात असाल तर 1 दाबा। आपला स्वयंरोजगार असेल किंवा आपण उद्योजक असाल तर 2 दाबा। आयटी, बीपीओ, कायदा आणि अर्थ ह्या सेवांमध्ये असाल तर 3 दाबा। आपण शिक्षक, विद्यार्थी, संशोधक किंवा शास्त्रज्ञ असाल तर 4 दाबा। आपण शेतकरी असाल किंवा आपण अन्न प्रक्रिया उद्योगात असाल तर 5 दाबा। आपण डॉक्टर असाल किंवा आपण आरोग्य सेवेचा भाग असाल तर 6 दाबा। प्रवास आणि पर्यटन, माध्यम आणि किरकोळ क्षेत्र यात असाल तर 7 दाबा। गृहिणी किंवा गृहस्थ, कलाकार, रोजंदार किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्राचा भाग असाल तर 8 दाबा। ह्या पूर्वीच्या कोणत्याही पर्वात कोण होणार करोडपती ह्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन तुम्ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ह्या पायरीपर्यंत पोहोचला आहात का? कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाच्या हिंदी किंवा प्रादेशिक आवृत्तीतील एखाद्या पर्वात हॉट सीट पर्यंत पोहोचला आहात का? हो असेल तर 1 दाबा, नाही असेल तर 2 दाबा। आता तुम्हाला सामान्य ज्ञानावर आधारित 3 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील। तुमच्यासाठी पहिला प्रश्न आहे, भारताचे कोणते माजी पंतप्रधान त्याआधी मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते? तुमचं उत्तर जर लाल बहादूर शास्त्री असेल तर 1 दाबा। तुमचं उत्तर जर VP सिंग असेल तर 2 दाबा। तुमचं उत्तर जर मुरारजी देसाई असेल तर 3 दाबा। देखिए फ्रेंड्स, केएससी का पहला क्वेश्चन आईबीआर कॉल में जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के लिए आप लोग 3 प्रेस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, अश्निपातामुळे तयार झालेले लोणार सरोवर महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तुमचं उत्तर जर अकोला असेल तर 1 दाबा। तुमचं उत्तर जर बुलढाणा असेल तर 2 दाबा। तुमचं उत्तर जर गोंदिया असेल तर 3 दाबा। तुमचं उत्तर जर वाशिम असेल तर 4 दाबा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग ने दूसरे क्वेश्चन को भी सुन लिए हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन में लोणार झील किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है दोस्तों, और एक खारे पानी का झील है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2,
दो को प्रेस कर देना है बोल डाना। तो चलिए अब तीसरे जो कि आखिरी क्वेश्चन नियरेस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा गया है सुनते हैं दोस्तों। शेवटचा प्रश्न आहे, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर संख्यात्मक असेल, ती संख्या तुम्ही फोन मध्ये टाइप केल्यानंतर तुम्हाला तुमचे उत्तर नक्की करण्यासाठी स्टार किंवा हॅश टाइप करायचा आहे। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर असलेल्या कळसुबाई शिखराची उंची किती मीटर आहे? और देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो कि नियरेस्ट ऑफ के आंसर में पूछा गया है दोस्तों, कळसुबाई की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों कळसुबाई की चोटी की ऊंचाई है 1646 मीटर। तो आप सभी लोग अपने मोबाइल पर कीपैड पर आपको टाइप करना है 1646 और दोस्तों स्टार और हच को आपको दबाना है, तभी आप लोगों को तीनों क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के IBR कॉल का क्वेश्चन का आंसर दोस्तों तीनों क्वेश्चन का सही जवाब के साथ। और एक दिन पहले ही दोस्तों IBR कॉल आ चुका है क्योंकि 40,000 लोग कॉलिंग करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जरूर अपने मोबाइल अपने पास रखना दोस्तों और रिचार्ज करके जरूर रखना। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों कोई और एक वीडियो में।